सरकार ने कहा अपनी फूफी से कहा कि देखो आपने तो अपने भाई के लिए चादर दे दी, लेकिन ये मूसा इब्ने उमर इनका कोई नहीं है दुनिया में मेरे सिवा। इसलिए कि मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर इन्होंने सरकार के दीन को कबूल किया था तो मां ने कपड़े भी उतार दिए। इन्हीं हालत में कम्बल ओढ़कर सरकार की बारगाह में आए थे और हुजूर ने इनको मदीना मुनव्वरा का मुबल्लिग बनाकर भेजा था। कहा चची आपके भाई को काम ने चादर दे दी, लेकिन मेरे मुस्तफा के पास तो कोई चादर नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। आप इजाजत दो तो आधी चादर का टुकड़ा इनके लिए आधी इनके लिए। सर को टांगते थे तो पैर नजर आते थे, पैरों को ढांकते थे तो सर खुलते थे। सरकार ने खास को मंगवाया, उनके पैरों पे रखा और सरों को ढांक कर फिर जो है मिट्टी दी गई। इन हालात में ओहद की जंग हुई थी।